हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जामिन फार्मेसी पैथोफिजियोलॉजी यूनिट वन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी पैथोजेनेसिस का मतलब होता है द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीज कि बॉडी के अंदर कैसे डिसीज का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी स्टडी को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं जनरली सेल इंजरी को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी फ्लो चार्ट के मीडियम से मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कैसे मैकेनिज्म सेल इंजरी आकार होता है एक सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो उससे हाइपोक्सिया होता है और अगर वाटर सप्लाई का लॉस होता है तो उससे इस्चेमिया होता है उसके बाद हाइपोक्सिया और इस्चेमिया कंडीशन आने के बाद ए का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है सेल के अंदर वो जिससे कि थ्री प्रॉब्लम्स होती है इंट्रा सेलुलर पी डिक्रीज होता है प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज होती है और सोडियम पम्प डैमेज होता है जिससे कि आगे फर्दर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस आते हैं जैसे मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है राइबोसोमल डैमेज हो जाता है इनकी वजह से जिससे कि इस रिवर्सिबल इंजरी अकर होती है मैकेनिज्म क्या इंजरी का पैरा है डिक्रीज हो जाती है एटीपी प्रोडक्शन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट है सोडियम पंप रिड्यूस होने की वजह से सेल क्या होता है वो स्वेल हो जाता है सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है जैसे मैंने बताया था लॉडस ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस होने के कारण सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है थर्ड है माइट्रोकोडल डैमेज होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से माइट्रोकोन्डल डैमेज हो जाता है फोर्थ है राइबोजोमल डैमेज जब चेंज हो चेंज इन प्रोटीन सिंथेसिस वो कॉज करता है राइबोसोमल डैमेज न्यूक्लियर डैमेज होता है जब डीएनए का ब्रेकडाउन या न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से या फिर एबनॉर्मल प्रोलीफरेशन की वजह से नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम क्या फॉर्म है क्या शेप है क्या स्ट्रक्चर है सेल का उसकी स्टडी करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसके अंदर जो चेंज इसके अंदर हमें अडेप्टिव चेंजेस के बारे में भी जानना है अडेप्टिव मैकेनिज़्म बेसिक पैटर्न होता है माइक माइक्रोस्कोपिक चेंज का जो दो चीज़ें इंक्लूड करता है एक है पैथोलॉजिकल और एक है फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल के, के अंदर आता है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसके वजह से जो इंजरी कॉज हो जाती है और फिजियोलॉजिकल इंजरी या मेंटल डिस फंक्शन की वजह से या मेंटल हार्म के वजह से या हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से फिजियोलॉजिकल स्टूमिला होता है फाइव एडेप्टिव या सेलुलर रिस्पॉन्सिस हैं फर्स्ट है एट्रोपी सेकेंड है हाइपरट्रोपी थर्ड है, है और फिफ्थ है डाइसप्लेसिया इसके बारे में हमें स्टडी करना है एट्रोपी मतलब सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाए वो कॉज होगा जब वर्कलोड कम हो जाए या इस्चीमिया का लैक हो जाए लैक ऑफ स्टीमिया सेकेंड है जिससे जब सेल का सेल का साइज इंक्रीज हो जाए जैसे अगर इंक्रीज करे फंक्शनल डिमांड को और स्टूमुलेट करे हॉमोनसा ग्रोथ फैक्टर्स को थर्ड है हाइपर प्लेसिया जब सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए जो इन्फ्लुएंस करता है हॉर्मोनल स्टूमुलेशन को फोर्थ है मेटाप्लेसिया जब एक फॉर्म सेल की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए जैसे एपिथीलियल टिश्यू या एपीथीलियल सेल्स कॉलोमनर सेल्स में चेंज हो जाए एग्जाम्पल है इनिकॉजिस हैं हीलिंग या फ्रैक्चर्स डाइसप्लेसिया, एब नॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से सेल की जैसे कॉमन वायरस है एच पी वी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये कॉस करता है सर्वाइकल डाइसप्लेसिया सेल नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल स्वेलिंग सेल की स्वेलिंग कब अपेयर होती है जब सेल जो है इनकेपेबल है मेंटेन करने के लिए आयनिक और फ्लूड होम्योस्थित को जिससे कि फेलियर होता है एनर्जी डिपेंडेंट आयन पम्प का प्लाज्मा में के अंदर थैंक यू